चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने कवर किया, आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। साथ साथ आपको थर्ड पेपर भी पढ़ाया जा रहा है, थर्ड पेपर जाकर देख लीजिए। रमन इफेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ाया, एक्सरे स्पेक्ट्रा जल्द ही हमने पढ़ा दिया, वो आप जाकर जरूर देख लीजिए। और भी जो वीडियो देखना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी वीडियो अगर देखना चाहते हो, सभी के प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई है, सो आप वहां से जरूर जाइए देखिए, आराम से आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे। साथ साथ आपके एग्जाम नजदीक आने वाले, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है। बहुत ज्यादा ज्यादा कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सके, इसलिए आपको हमने गेस पेपर भी दिया है, सो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी गेस पेपर की, पूरी गेस पेपर जितना हमने बताया है वो उसमें डाल दिया गया। बात करते हैं डायलेक्ट्रिक के बारे में, डायलेक्ट्रिक होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक आप जानते होंगे, इंसुलेटर को डायलेक्ट्रिक बोलते हैं। किसको? इंसुलेटर को। होता है तीन प्रकार के फेस हम देखते हैं, एक तो हमारा होता है कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तीन के तीनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं डायलेक्ट्रिक के बारे में। डायलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, ये समझ में आ। चलिए, लेकिन इन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक बिहेवियर देयर आर थ्री टाइप्स, मतलब तीन प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा कंडक्टर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है सेमीकंडक्टर, फिर डायलेक्ट्रिक होता है जिसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। सो आप देखेंगे अगर हम कंडक्टर की बात करें, ये देखिए कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें समझेंगे ध्यान से, रेजिस्टिविटी जो होती है, या फिर अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी इज मोर ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है रेजिस्टिविटी की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होती है, वो हमारा क्या होता है कंडक्टर कहलाता है। मतलब कंडक्टर में रेजिस्टर कम होता है, मतलब प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण आसानी से इसमें करंट और हीट फ्लो हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर या फिर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है, जिसके कारण ये इसमें आसानी से करंट और हीट फ्लो नहीं हो पाता है। जब आसानी से करंट और हीट फ्लो नहीं हो पाता है तो इसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ता है। जब एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, हमारा कंडक्टर की तरह व्यवहार करने, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये इंसुलेटर बता रहे हैं कंडक्टिविटी इज मोर लेस देन रेजिस्टिविटी, ऐसा होता है रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी से बहुत ही ज्यादा कम होता है कंडक्टिविटी, मतलब चालकता कुछ नहीं। जैसे आप लकड़ी ले लो, ये प्लास्टिक है मार्कर, तो इसमें अगर हम हीट फ्लो करें या फिर इधर गर्म करें, क्या इधर गर्म होगा? नहीं होगा। लोहे की छड़ लेते हैं तो उसमें जो हैंडल लगा होता है वो होता है लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का लगा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे की छड़ क्या है हमारा, ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिक का अच्छा चालक होता है, इसमें चालकता तेज होती है, जिसके कारण एक जगह अगर हम जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है लोहा है, लोहे की राड है, तो इधर अगर हम गर्म करें तो इधर अपने आप गर्म हो जाती है। आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा, इधर लोहे की गर्म में सॉरी लोहे के छड़ में यदि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करा रहे तो इधर आपको करंट मारेगा तो ही मारेगा, लेकिन क्या लकड़ी में ऐसा होता है? नहीं होता। प्लास्टिक में ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि ये सब क्या है इंसुलेटर है। बात समझ आ रही है? चलिए अगला बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें देखिए जैसे मेटल आ जाते हैं हमारे, कौन कौन से, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, तो ये सब कंडक्टर में हो जाते हैं। इंसुलेटर में जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आप प्लास्टिक बता सकते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है, मतलब इसमें कंडक्टिविटी जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता के जस्ट बराबर होती है। यदि हम इसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगा दें तो जिसके कारण ये कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, कंडक्टर की तरह। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें ईडर्जी, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे जर्मेनियम रख लें और सिलिकॉन, ये सब किस में आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर में। इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बताना चाहें जैसे हमारा हो गया वुड, प्लास्टिक, इसमें अगर बात करें मेटल्स, कोई भी मेटल्स ले लो आप,
वो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। चलिए हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, नोट कर लिए इसको। चलिए ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम निकट है, आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी किया कीजिए, जितना पढ़ाया जाए उतना जरूर तैयार कीजिए फटाफट से, ठीक भैया। चलिए हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये हमारा चैप्टर है, अब डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कभी कभी सेक्शन ए में पूछ लिया जाता है व्हाट डू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो आप बताना इसको कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक बोले या फिर हम क्या बोले इंसुलेटर बोले, बात एक ही है कि डाइलेक्ट्रिक का इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वह अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट की इट कैन स्टैंड विदाउट, इट कैन स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन प्रॉपर्टी। मीनिंग समझ पाए, कोई बात नहीं हम समझा दे रहे हैं। चलिए क्या क्या रहा है पहले समझेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि इट कैन स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन प्रॉपर्टी, बिना इंसुलेशन प्रॉपर्टी के ब्रेक डाउन हुए यह खड़ा हो सकता है, इट कैन स्टैंड, तो यही हमारा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में, पूछ लिया जाता सेक्शन ए में व्हाट डू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। सो चलिए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे पोलर मॉलिक्यूल, चलिए लिख लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल। देखिए बताएंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट जो होता है वो जीरो ना हो वो क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। फिर हेडिंग डालेंगे पोलर मॉलिक्यूल, लिखेंगे द मॉलिक्यूल विच इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जीरो ना हो वो क्या कहलाता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसको निकाला कैसे जाता है वो चीज पहले समझेंगे। चलिए पहले फॉर एग्जांपल के लिए दिखा देते हैं ई डॉट जी, जैसे कि आपको बताएंगे किसका जीरो नहीं होता है, आपका एनएस थ्री का भी जीरो नहीं होता है और किसका जीरो नहीं होता है, आप दिखाएंगे एच टू ओ का जीरो नहीं होता है, एच सी एल का जीरो नहीं होता है एटसेट्रा, इसी प्रकार अन्य जिसका डाइपोल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या हो जीरो ना हो, मेन चीज ये कहने की बात। अब पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, पहले आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी लिख लो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में द मॉलिक्यूल लिखेंगे द मॉलिक्यूल विच इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज जीरो इज कॉल्ड
इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बता देंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप बता दीजिए किसको। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड बोल दीजिए, सीओ टू हो गया, अभी हम दिखा रहे हैं, और बी एफ थ्री हो गया एटसेट्रा। मैं चीज आपके यही दिक्कत कर रही है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे जानेंगे ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। आपको दे भी दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया गया, डिस्कस कीजिए पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। चलिए हम यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले एनएच थ्री को लीजिएगा, एनएच थ्री, ध्यान से बात समझिएगा। एनएच थ्री को कैसे बनाते हो, नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन लगा दो इसको, चाहे इस प्रकार बनाए चाहे जो भी शेप है हमारा बनाए हैं, एनएच थ्री हुआ है। होगा क्या, हम जानते हैं, बात समझिएगा पहले, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द हाइड्रोजन। जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, आप जानते हो जैसे HCl में हो गया हमारा HCl, एच पे प्लस ये माइनस, और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ये इसका जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है, मतलब कुछ ऐसा, यही बताते हो ना, इसको प्लस डिनोट करते हैं इसको माइनस डिनोट करते हैं। अब देखिएगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इधर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अर्थात इसका जो इस प्रकार सिंबल लगेगा, लगेगा नहीं, उसी प्रकार इसमें भी वही कंडीशन होगी और इसमें भी वही कंडीशन होगी। देख रहे हैं तीन के तीनों एक ही डायरेक्शन में है, जिसके कारण इनका जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, म्यू की वैल्यू इज नॉट जीरो, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, म्यू इज डज नॉट जीरो, अर्थात ये क्या हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है पोलर मॉलिक्यूल, मतलब इसमें पोल है। HCl को देख सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, जनरली देख रहे हो इसमें दो पोल बन रहे हैं, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। H2O देख लो, H2O इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन है, बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन है। अब करोगे क्या, ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द हाइड्रोजन बनेगा। अब बात आती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, ये कुछ ऐसा डायरेक्शन बना देगा, देख पा रहे हो ना, ये क्या करेगा कुछ ऐसा डायरेक्शन, क्योंकि ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को ये डोनेट कर देता तो इस पे प्लस चार्ज आ जाते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे माइनस आ जाए, तो इसके इस प्रकार ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ये दोनों अपने आप में क्या कर देंगे, कट जाएंगे, ये और ये कट गए, बच जाता है हमारा क्या, देखिए दो के दोनों हट गए हमारे कुछ इस प्रकार से, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जब एक ही डायरेक्शन में है तो म्यू की वैल्यू डज नॉट जीरो, क्योंकि कैंसिल नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, म्यू यहां पर क्या है जीरो नहीं हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, अर्थात ये इसको बोल सकते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक समझ पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं इन सब की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, CO2, ठीक, कार्बन है, पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टोटल क्लियर होता है सबको। चलिए इसमें क्या होगा, हमारा म्यू की वैल्यू जीरो आती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज जीरो, यहां पर क्या होता है जीरो, यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द कार्बन, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इधर माइनस बाकी इधर प्लस, इधर भी वही कंडीशन लगेगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये दोनों दूसरे को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और म्यू इक्वल टू क्या जाता है जीरो, जिसके कारण ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक मॉलिक्यूल। बात कर लेते हैं इसी प्रकार BF3 की, बोरान है
और एफ थ्री कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही होगा, सबके पास पूरा है। चलिए, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, नौहित होता है, दो कामा सात करोगे, एक इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, बोरान को तीन बॉन्ड की जरूरत होती है क्योंकि इसके पांच होते हैं, 2.3 और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक भैया। चलिए अब करना क्या होता है पाली, ये समझ लीजिएगा, फ्लोरीन जो होता है बोरान की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक ही इलेक्ट्रॉन चाहने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता ज्यादा रखता है देन द बोरान। तो क्या करेगा, इसमें भी सेम कंडीशन बनेंगे, मींस इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ इनका कंडीशन इस तरह बन जाएगा, आप देख रहे हो आपके कुछ दिमाग में कुछ लोगों का आ रहा होगा, एक दूसरे से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, ये नॉन पोलर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, जब तीन के तीनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इससे एक दूसरे से सभी के सभी क्या होते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि सबके सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस सब लोग एक दूसरे कैसे कर देंगे, म्यू कट जीरो और ये क्या बना लेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, याद हुआ, ध्यान समझिएगा, जब इसमें म्यू की वैल्यू कुछ बचेगी तो मतलब वो पोल है, उसमें पोलर मॉलिक्यूल, जब कुछ नहीं बचेगी जीरो हो जाएगा तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, उसमें नॉन पोलर कोई भी पोल नहीं होंगे। सो फटाफट से नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लिए हैं, हटाया जाए। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये समझ में आ गया ना। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कई बार पूछा गया है, सो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, सेक्शन ए का क्वेश्चन होता है, व्हाट डू मीन बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर राइट साइड नोट जो सेक्शन ए में आता है तो उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी दे देता है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना सिंपल है कि आपको बिना बताए याद हो गया होगा ना, तो मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डायलेक्ट्रिक तो पढ़ लिया बढ़िया से, अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, लिखेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे द रेशियो ऑफ, पहले हम समझा देते हैं उसके बाद हम लिखें ताकि आपको समझ में जाए, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर यहां से इप्सिलॉन की वैल्यू निकाला जाए, के इप्सिलॉन नॉट, आगे चल के बहुत बार इसका यूज हुआ है इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं इप्सिलॉन को, ये परमिटिविटी है, क्या है परमिटिविटी, परमिटिविटी इन किसमें, किसी भी मीडियम में, और ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद हो गया, याद हो गया, क्लियर है। चलिए लिखेंगे द परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता, और परमिबिलिटी जो बोलते हैं वो चुंबकशीलता होता है, म्यू नॉट म्यू, द परमिबिलिटी परमिटिविटी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इन मीडियम, इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इस कार्ड क्या कहलाता है हमारा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंट बाय के, इसे हम क्या करते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के है, समझ में आ गया, के बराबर इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये क्या है परमिटिविटी इन मीडियम एंड ये क्या है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां तक सबको समझ में आ गया ना। इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस के अगर टर्म लिखें, इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस धारिता के टर्म में अगर लिखा जाए, कैपेसिटेंस के टर्म में अगर हम लिखें इसको, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन सी नॉट,
ये वैल्यू। अरे यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के सी नॉट निकल के आता है। नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं ये भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा है। चलिए हेडिंग डालेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ये समझ में आ गया ना। चलिए पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ध्यान से पढ़िएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसलिए हम ध्यान से इसको खूब बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, और साथ ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से भी पढ़ाते हैं। जो ना जानते हो जान जाइए भाई, एग्जाम का टाइम आ गया है, तो एग्जाम के टाइम सब बच्चे सोकर उठ जाते हैं। तो फटाफट से आप जाइए उसको जरूर पढ़िए और मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास कीजिए जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। चलिए हिंट डालेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होता है लिखेंगे। व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, जब कोई डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है प्लेस्ड किया जाता है, इज प्लेस्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इन इट ए, देन इन इट ए, इन इट ए नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड, दिस फिनोमिना इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, दिस फिनोमिना इज नोन एज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। समझ में आया? चलिए हम समझा देते हैं, कहा क्या जा रहा है कि व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहा जा रहा है जब कोई डाइइलेक्ट्रिक क्या हो प्लेस किया जाता हो, प्लेस्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नहीं रहेगा जी एन है, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक जो प्लेस्ड सॉरी कोई भी डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या किया जाए प्लेस किया जाए डाइइलेक्ट्रिक, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाए, तो देन तब इन इट ए नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस, इसमें एक नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कोई भी डाइइलेक्ट्रिक है उसमें यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें प्लेस करवा रहे हो, तो क्या होता है उसमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये पूरी फिनोमेना हमारी क्या कहलाती है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कहलाती है। समझ में आ गया होगा, चलिए लिख लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए हैं, मिटा दिया जाए इसको। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक, एटॉमिक कहिए या फिर आयनिक कहिए, एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है पूरा इसी के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक, एटॉमिक कहिए या फिर आयनिक कहिए, एटॉमिक एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है ये पहले जानेंगे। लिखेंगे इसमें व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक
इज प्लेस्ड, जब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है प्लेस किया जाता है, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक है, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे दिखता नहीं है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन हमारा सॉरी इलेक्ट्रिसिटी मूव की रहती है, उसके चारों तरफ का जो फील्ड होता है वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस फील्ड में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को डाल दें, तो इसके पहले आपने देखा डाइलेक्ट्रिक को डाल देते थे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उत्पन्न हो रहा था, तो वो हमारा क्या कहलाता था, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहलाता था। तो अब हम पढ़ रहे हैं जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें, मान लीजिए क्या है हमारा वुड है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस किए हैं, समझ में आया तक, देयर इज एन, लिखेंगे देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन सॉरी कुड कुड रिलेटिव टू न्यूक्लियस, रिलेटिव टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन द एटम, इन द एटम, इन द एटम फॉर्मिंग द, लिख लीजिए उसके बाद समझा रहे हैं, फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल, फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल, इज प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। अब कह क्या रहा है पहले ये समझेंगे, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड रिलेटिव टू न्यूक्लियस इन द एटम फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल। वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, एटम में क्या करते हैं, फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ड्यू टू दिस इसके कारण जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस जाता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया, जो आपको इसके पहले बताया गया कि क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसको जस्ट ही वही चीज बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते थे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें किसके कारण उत्पन्न होते हैं, यही चीज और बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, वो एटम में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हो जाता है। जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे एटम में तो क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करने लगेंगे, और ये क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। समझ में आ गया, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे हम क्या, एटॉमिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन। अब इसको भी समझा दे रहे हैं, एकदम बढ़िया सिंपल है, जैसे ये सिंपल था, एटॉमिक, एटॉमिक कहिए या फिर आयनिक कहिए, और आयनिक पोलराइजेशन, ये क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, मतलब
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डाला जाता है, यदि वह जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव प्लस और माइनस आयन देते हैं, जिसके कारण यदि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उत्पन्न होता है तब हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक डायपोल मोमेंट एटॉमिक पोलराइजेशन कहलाएगा। इसमें मॉलिक्यूल्स बना रहे थे जिसके कारण उत्पन्न हो रहा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो वो क्या कहलाता था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। यदि आयनों के द्वारा उत्पन्न हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक पोलराइजेशन या फिर एटॉमिक पोलराइजेशन कहलाएगा। तो लिख लेंगे इसमें, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक, सॉरी एक मिनट लिखेंगे, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मेड ऑफ, जो कि मेड ऑफ किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स, मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, जो कि रखता है having separate positive and negative charge, separate positive and negative ion, जो कि देखिए कोई भी डायलेक्ट्रिक है जो कि मॉलिक्यूल से बना है और क्या रखता है, सेपरेट भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव और निगेटिव आयन रखता है। समझ में आया तक, इज प्लेस्ड आयन, इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसमें प्लेस किया जा रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है, तब क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन सेपरेशन बिटवीन, देन सेपरेशन बिटवीन, जो सेपरेशन होगा किसके किसके बीच में, बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव इज अल्टर्ड, वो क्या होगा, अल्टर होगा, इज अल्टर्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड, यहां पर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू दिस एन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट is produce, this phenomena is called क्या कहलाता है, this phenomena is called atomic or ionic polarization, atomic or ionic polarization। समझ पा रहे हैं, ये फिनोमिना हमारा एटॉमिक या फिर आयनिक पोलराइजेशन कहलाएगा, मतलब आयनों के कारण ये क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट उत्पन्न कर रहा है। जब आयनों के कारण उत्पन्न हो तो यह आयनिक या फिर एटॉमिक पोलराइजेशन कहलाएगा, जब हमारा मॉलिक्यूल के द्वारा हो तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहलाएगा। अगले हेडिंग डालेंगे ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, जो नेट निकलेगा इन तीनों के सम के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक एंड ओरिएंटेशन तीनों के सम के क्या, सम के क्या होगा, इक्वल होगा, जो हमारा नेट पोलराइजेशन निकलेगा। ठीक, फिर डालेंगे ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मेड ऑफ, शुरुआत की लाइन वही लिखनी होती है, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मेड ऑफ मॉलिक्यूल, मेड ऑफ यही इतना ध्यान रखना, वो मॉलिक्यूल के कारण उत्पन्न हो रहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड हमारा क्या था, डायपोल मोमेंट, और वो क्या था दूसरे वाले में, आयन के कारण उत्पन्न हो रहे थे, इसमें किसके कारण हो रहा है उसको देखिए, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मेड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग रैंडमली
हैविंग रैंडमली ओरिएंटेड परमानेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट परमानेंट इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है, तब क्या होता है? देन डाइपोल लाइन अलोंग द फील्ड डायरेक्शन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्या कहलाता है हमारा? ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को हम डाइपोलर भी बोल सकते हैं, तो ओरिएंटल पोलराइजेशन बोलिए आर डाइपोलर, कभी कभी डाइपोलर ही पूछ लिया जाता है, डाइपोलर पोलराइजेशन। सो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक। इसमें क्या कहा गया, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मेड ऑफ मॉलिक्यूल, जब कोई डाइइलेक्ट्रिक जो कि मॉलिक्यूल के द्वारा बना हुआ है, हैविंग रैंडमली ओरिएंटेड परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जो कि रैंडमली ओरिएंटेड परमानेंट डाइपोल मोमेंट को रखता है, इज प्लेस्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तब क्या करता है इसके, तब ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारा? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है, तो यह फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है? डाइपोलर पोलराइजेशन कहलाता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं। अब नोट पॉइंट लिखेंगे यहां पर। नोट पॉइंट क्या होगा? द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने पहले बताया, पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक एक ही चीज है, द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? इन तीन के तीनों पोलराइजेशन के सम के इक्वल होता है। कौन कौन से, मतलब इसको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा? पी इलेक्ट्रॉनिक का, मतलब पीई प्लस, पी एटॉमिक का पी ए लिखिए या फिर पी आयनिक आई भी लिख सकते हैं आप, प्लस ये ओरिएंटेशन का पी ओ, यही ये कह रहा है, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा, ये पी ए लिखिए या फिर आई लिखिए एक ही बात है, समझ में आ गया ना। तो यार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे वेक्टर डी वगैरह वगैरह जो भी होगा सब कुछ चर्चा करेंगे, तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। ये वीडियो यहीं तक, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही दे दी जाएगी जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। जय जवाहर दोस्तों, वंदे मातरम। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए।